हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऑल न्यू i20 के बेस टू टॉप पेट्रोल डीजल एंड पेट्रोल टर्बो के हर वेरिएंट के बारे में, ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं हमें और ऑल ओवर इंडिया उनके एक शोरूम प्राइसेस, तो उस हिसाब से अपने ऑन रोड प्राइसेस कैलकुलेट कर लेना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे। पेट्रोल 1.2 जो सबसे कॉमन इंजन है, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, इसमें हमें मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 4 वेरियंट्स, मैग्ना स्पोर्ट्स एंड एस्ट ऑप्शनल। प्राइस स्क्रीन पे आप देख लीजिए। और ड्यूल टोन के लिए हमें एक्स्ट्रा 15,000 देने पड़ेंगे स्पोर्ट्स एस्ट्रा और एस्ट्रा ऑप्शनल के लिए। सो गाइस, ये था इसका कुछ पेट्रोल 1.2 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन का। अब करेंगे हम बात पेट्रोल 1.2 लीटर के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें हमें मिल जाता है सीवीटी, कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन है, काफी सिंपल ऑटोमेटिक है। इसमें हमें स्पोर्ट्स और एस्ट्रा ही मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका भी हमें 15,000 एक्स्ट्रा देके ड्यूल टोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल 1.5 लीटर में, उसमें हमें मिल जाएगा मैग्ना स्पोर्ट्स और सिर्फ एस्टा ऑप्शनल, एस्टा नहीं मिलता इसमें हमें। ये कुछ कमी है छोटी मोटी, बाकी आप प्राइस देख सकते हैं 8,21,000 से शुरू होता है और 10,61,000 पे जाता है, काफी हाई रेंज है। और 15,000 आपको स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा देने पड़ेगी और एस्टा ऑप्शनल में फॉर ड्यूल टोन, और ड्यूल टोन का ऑप्शन आपको स्पोर्ट्स ऑनवर्ड्स हर वेरिएंट में मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं 1.0 लीटर के टर्बो सबसे मोस्ट पावरफुल पेट्रोल इंजन की बारे में बात कर रहे हैं। 1.0 का 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें हमें सिर्फ IMT मिलेगा मैनुअल में, प्रॉपर मैनुअल नहीं मिलता क्लच वाला, इसमें हमें स्पोर्ट्स और एस्टा ही मिलेगा। और गाइस, अगर हम ऑन द होल भी बात करें तो स्पोर्ट्स और एस्टा अक्रॉस ऑल इंजन ट्रांसमिशन में हमें 1,10,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये 1,10,000 सिर्फ फीचर्स के लिए हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। और पेट्रोल टर्बो में हमें लास्ट में मिल जाता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन, जिसमें हमें एस्टा और एस्टा ऑप्शनल देखने को मिलता है, और जो डिफरेंस है दोनों में 50,000 रुपए का एक शोरूम प्राइस में डिफरेंस आता है।